रोहिणी सेक्टर 24 में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोटिया ने भाजपा प्रत्याशी हंस राज हंस द्वारा नेहरू पर दिए गए बयान के जवाब में तो उन्हें शालीनता से भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की सीख दी, लेकिन जैसे ही बात प्रधानमंत्री की आई तो उन्होंने चोर कहने में तनिक भी देर नहीं लगाई। मजेदार तो ये कि वो प्रधानमंत्री को चोर कहने में कोई बुराई भी नहीं देखते, क्योंकि उम्र में बड़े हैं और एक कलाकार हैं और कलाकारों को हम सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी भाषा का वो इस्तेमाल करें वो मर्यादा के दायरे में रहकर करें, मर्यादा रखें उस चीज़ की। वो अच्छे गायक कलाकार हैं, यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को गाना नहीं सुनना, उनसे उनके ये भाषण नहीं सुनने। सवाल लोग आज उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ के लिए आपके दिमाग में क्या विजन है, क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे। अब वो चोर है ना, फिर भाषा की मर्यादा ना, चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चोर को चोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनकी साठ गांठ से वो देश से बाहर चले गए। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी शुभान अल्लाह। वैसे तो भाजपा के कमल हंस खुद को संत बताने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन उनके महबूब मोदी को कुछ कहते तो फिर संत को भी गुस्सा आ ही जाता है और विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने लगते हैं। जो ईमानदार लोग थे, कुर्बानी वाले, उनको पीछे कर दिया गया। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, जो अंग्रेजों के साथ में ऐश किया करते थे, उन्हीं के हाथ में कुर्सी आ गई और 60-70 साल राज करते रहे हमारे मुल्क की।